الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين है दुआ खुदा से ख़ूसी करम करे है दुआ खुदा से खूशी करम करे दे जुबाँ पर वो बात जो दिल पर असर करे है दीन की सारी बातें सलाम काबिल कदर है दीन की सारी बातें सलाम काबिल कदर हम जो भी सुने उसकी कदर करें मौज़ तो वही मिराज का चल रहा है और उसी पर गुफगू करनी है मगर आज जोहर की नमाज़ के बाद जब मैं घर जा रहा था तो एक साहिब ने नमाज़ के ताल्लुक से एक दो मसले दरियाफ़्त किए इसी तरह दो तीन दिन पहले जब मजलिस ख़त्म हुई और मैं जा रहा था तो हमारे अशरफ भाई के साथ एक साहिब थे उन्होंने ज़क़़त के ताल्लुक से एक मसला पूछा था तो जो दोनों बातें पूछी गई है उसका समझना हमारे लिए भी फ़ायदे से ख़ाली नहीं है मेरा और आपका भी उससे कभी न कभी वास्ता पड़ सकता है तो मैंने ये चाहा कि पहले वो मसला आपकी खिदमत में आर्ज कर दूँ जक़ात का जो मसला पूछा था उन्होंने वो सवाल ये था उनका कि हमारे पास घरों में कई जोड़ी कपड़े होते हैं और मर्दों के पास तो उमूमन कम और बोलो यार मुझे घर जाना है तोटो 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 तो उनके पास जो है वो ज़्यादा होते हैं है ना हाँ ये आमतौर पर फितरी बात है इल्ला माशा और अपवाद हर जगह होता है बाज़ मर्द भी औरत की फ़ितरत के होते हैं हैं हाँ बस जैब व जीनत ही नहीं छूटती उनसे भी कि जब देखो वो ये तो सब औरतों की फितरत है अल्लाह ने रखी है उनमें तो बाज़ मर्द भी ऐसे ही होते हैं तो कपड़े कई जोड़ी रखे होते हैं बीस पच्चीस तीस चालीस जोड़े कपड़े रखे हुए हैं या फिर एक और चीज दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन पहना हुआ अपना खास जोड़ा वो कबाट में रखे रहती है लेकिन अजीब बात है कि पहनती नहीं है, है? हाँ पहनती नहीं है और क्यों नहीं पहनती पता है इतना वजन ही होता है कि उस दिन तो फैशन के मारे पहनना पड़ा और रिवाज के मारे पहनना पड़ा इसलिए उस दिन पहन लिया भाई काय को ऐसे जोड़े लेते हो इतने पैसे खर्च कर सकते हो के जिसे आम हालात में आदमी पहन भी नहीं सकता और कितना महंगा होता है अब खैर उसका एक रास्ता लोगों ने निकाल लिया है जैसे कार हायर करते हैं वैसे अब दुल्हन जो है दुल्हन का जोड़ा भी हायर करती है शादी के दिन किसी के बदन का उतरा हुआ कपड़ा पहनना कौन सी अच्छी बात है ये हायर करेंगे ये तो उतरा हुआ आपने पहना है किसी का तो भाई क्या जरूरत है इससे अच्छा है कि अपने पैसे से खरीदो अपना खरीदा हुआ जोड़ा जो है वो पहनो कि पूरी जिंदगी याद रहे तो अब तो शादी का जोड़ा भी हायर किया जाता है और इतना वजन ही होता है दो चार को तो जो है वो पीछे से पकड़ना पड़ता है ये सब तकल्लुफात इस्लाम हमें नहीं सिखाता इस्लाम बिल्कुल सीधी सादी शादी जो है वो सिखाता है लोगों को शादियां भी बड़ी बड़ी करने का शौक़ है।, है हाँ ये भी एक रिवाज है जैसे ये महंगे महंगे सूट पहनने का रिवाज चल पड़ा है इसी तरह बड़ी बड़ी शादियां जो हैं उसके करने का भी रिवाज चल पड़ा है और उसके लिए फिर बैंक से कर्ज लेते हैं लोगों से लोन लेते हैं कर्जा जो है वो लेते हैं इस्लाम में मकरूज होना अच्छी बात नहीं है याद रखो क्रेडिट कार्ड या क्या बोलते हैं वो क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं इतना धड़ल्ले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि पूछो मत कुछ भी हो तो कि क्रेडिट कार्ड पे पैसे ले लो नया कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो निकलवा लो हुजूर तो शुरू शुरू में जो मकरूज होता था उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाते थे और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि शहीद जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करवा चुका है इससे बड़ी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती कब्र के अंदर उसे सारी राहतें जो हैं वो मुयसर आएगी उस वक्त जबके कर्जे से सुबुक दोषी हो जाए कर्जा जब तक है ये बोझ उसके गले में लटका रहेगा तो भाई खाम खा का कर्जा लेना इसकी क्या जरूरत है दिखावा करना उसकी क्या जरूरत है और हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमारी शादी उसमें से तीन नुक्ते निकाल दो कि शादी शादी होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए शादी शादी होनी चाहिए और शादी के मौके पर हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि मियाँ बीवी में और घर में झगड़ा इसकी वजह से ना हो राय अलग अलग ना हो इतना ख़ुशी का मौका आ रहा है और उसी वक्त में मियाँ बीवी जो हैं वो एक कहता है कि इस तरह करना है दूसरा कहता है कि उस तरह जो है वो करना है और ख़्वा के तकल्लुफ़ात के उसमें आदमी उलझ जाते हुजूर के ज़माने में कितनी सादा शादी होती थी मशहूर साहबी है और बड़े मालदार साहबी अशर् मुबशरा में जिनका शुमार है हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ रजी अल्लाह तला ने गुजराती में कह ना कि पुष्क माला पे के गणिया गणा ही नहीं वणा ही नहीं है इतना जो है अल्लाह तबारक वाली ने मालो दौलत से हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ को नवाज रखा है एक दिन हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रदी अल्लाह तला रास्ते से जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका आमना सामना हो गया फेस टू फेस हो गए तो जो कपड़ा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने जैब तन कर रखा है उस पर एक ख़ास किस्म की खुशबू का निशान पड़ा हुआ था एक इत्र आता है इत्र की कई किस्में हैं उसमें एक इत्र का नाम है मजमुआ क्या नाम है मजमुआ पहले ये बहुत चलता था अब भी चलता है मजमुआ का क्या माना कि कई तरह के गुजराती में आप खिचड़ो है मजमुआ यानी खिचड़ो खिचड़ी नहीं खिचड़ो तो मजमुआ कई तरह के इत्र और खुशबू मिलाकर उसको तैयार किया गया तो इसलिए वो इत्र गाढ़ा होता है जाड़ू जीने के तो वो इत्र कैसा होता है गाढ़ा होता है अब आप उसे हाथ पे लेंगे हाथ पे लेने के बाद आप कपड़े पे लगाएंगे तो कपड़े पे आप देखना कि वो मजमुआ जो इत्र है लगाओ तो वो अपना निशान और दाग छोड़ जाता दाग बोलते हैं ना चले दाग पे एक बात सुने मशहूर शायर गुजरे हैं हैं दाग देहलवी अलरह उन्होंने मीटी पहन रखी जैसे मैंने ये पहन रखा अब सुनो मीटी कौन से हाथ में पहनी मर्द ये दो उंगली में पहनेगा वैसे बिला ज़रूरत पहनना नहीं चाहिए ये भी औरतों के तकल्लुफात में से है शामी अलर ने लिखा मुफ़ूम यह है कि रिंग और मीटी तीन किस्म के लोग पहनते हैं एक तो बादशाह सुल्तान पहले ज़माने में इसी विटी के मीटी से किसका काम लिया जाता था मोहर का काम लिया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी यही था हुजूर ने जो अंगूठी इस्तेमाल फरमाई है ना रिवायत में जिक्र आता है शमाइल में आपको मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंगूठी पहनी है तो वो अंगूठी पहनने का मकसद था कि बादशाहों को ख़तूत लिखने की ज़रूरत पेश आई सलातीन को हुजूर ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं उनकी तरफ जैसे दावत व तबलीग के अहबाब हमारे यहाँ आए हैं अल्लाह ताला इनका आना मुबारक करे इनके पूरे सफ़र को मुबारक करे और बाई से खैर व बरकत और बाई से हिदायत बनाए ये जहाँ भी जाए अल्लाह तबारक व ताला इनका वहाँ जाना कबूल व मंजूर फरमाए और हिदायत का सबब बनाए तो ये आए हुए हैं ये हजरात हमारे मोहसिन हैं तो मेरा और आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रोग्राम मस्जिद में तरतीब वो लोग देते हैं तो उसमें हम शिरकत करें अगर कोई माजूरी मजबूरी ना हो अपने घर पर अगर ये मुलाकात करने आए तो छोटे बच्चे को भेज कर यूँ ना कहलावा दे के बाजी है कि बाज़ी कितु कि बाजी घर में नहीं मिले हैं कम अज़ कम जो है उनकी बात सुने उनसे जो है वो मुलाकात करें और कुछ नहीं कर सकते हज़रत मौलाना वली हसन साहिब टोंकी राम आल पाकिस्तान में कराची में बड़े ज़बरदस्त आलम दिन गुजरे हैं माजी करीब में हज़रत फरमाते थे कि तबलीगी जमात का किसी तरह तुम इमदाद मदद न कर सको तो इतना ज़रूर करो कि उन अहबाब से महब्बत ज़रूर करो आखिरी दर्जा क्या है कि उनसे जो है आदमी दिली तौर पर मोहब्बत रखी तो बहरहाल जब सलातीन को बादशाहों के ऊपर हुजूर ने खतूत लिखे तो उस वक्त अंगूठी की जो है वो ज़रूरत पेश आई तो हुजूर ने फिर अंगूठी जो है वो उसमें क्या कुंदा कराया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकिन कैसे लिखा था लफ्ज अल्लाह टॉप पर था लफज़ अल्लाह कहाँ था टॉप पर था रसूल दरमियान में था और लफ्ज़ मोहम्मद अख़ीर में था। उलमा ने लिखा कि ये भी हुजूर ने मुझे और आपको अदब सिखाया बज़ जगह मसाजिद के अंदर भी और घरों के अंदर भी साथ साथ जो हैं वो नाम लिख वो लोग लिख लिख देते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद है और इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसमें तो साथ में आया है लेकिन अंगूठी में जब हुजूर ने उसको कुंदा कराया तो अल्लाह का नाम ऊपर रखा और अपना नाम नीचे रखा इसलिए तरतीब इसी तरह बनाओ अदब का तकाज़ा ये है अल्लाह अल्लाह है हुजूर का मर्तबा कितना ही बड़ा सही लेकिन बाद बुज़ुर्ग तुई बाद बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर है ना अव्वल नंबर किसका है अल्लाह अल्लाह है हुजूर हुजूर है कितना ही आला मर्तबा जो है वो सही चले अब लोग साथ साथ में लिख देते हैं वो इसलिए कि ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में क्या है साथ साथ में है तो इसलिए लोग साथ में लिख देते हैं कि भाई कलीमे में जो है हुज़ूर का और नबी का नाम साथ में आया लेकिन उलमा ने एक बात लिखी है ये जो मैंने जिक्र की कि देखिए हुजूर ने इसका लिहाज रखा कि अल्लाह का नाम कहाँ होना चाहिए ऊपर जो है वो होना चाहिए बहरहाल तो मैं आपको ये बता रहा था कि हुजूर ने इसलिए अंगूठी बनवाई थी कि वो बादशाह को उस जमाने में भी आप कोई खत लिखो और नीचे मुहर ना हो दस्तखत ना हो तो उस खत की कोई वैल्यू नहीं होती थी आज भी ऐसा ही होना चाहिए बाज लोग ईमेल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे कुछ लिखेंगे ना नाम लिखते हैं ना कुछ और जिसपे भेजा वो परेशान हो जाता है मैंने कहा काय को परेशान हो हैं? ये ऐसी मखलूक है कि जिसका कोई नाम ही नहीं तो भाई हिम्मत है तो नाम लिखो और बताओ कि कौन लिखने वाला है क्या है वैसे ही जो है वो छोड़ दिया और वो खाम जो है वो परेशान हो रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है इस्लामी तौर पे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है कि भाई लिखने वाले का नाम होना चाहिए देखिए कुरान कह रहा है सुरे नम क़ुरान हमें खत किताबत के भी आदाब बताता है हुजूर ने भी खत किताबत के आदाब बताए हैं सुरे नमल में क्या है जलीलर पैगंबर हजरत अलैहि सलात ने हदहद को ख़त देकर भेजा के बिल्किस सबा उसको क्या पहुंचा कर आओ खत पहुंचा कर आओ तो क्या है कुरान में है کہ قالت يا أيها الملو إني ألقى إلى كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كي يخد كي يخد كي سُلَيْمَانٍ كي દેખીએ ય તો બિસમ્લાબાદ મેં લખા હૈ પહેલે લખાયા હમ તો આમ તર પર ખતુત લખતે તો અખીર મેં ન લખતે હૈના શરૂ ક્યા લખતે નેક નામદાર નક્કી નાના કન્નાર ખૈર ખુશી ના હારા કાગણ ના વાંચના વહાલાને પ્યારા હેં એફીર મેં લખતે કે થોડુંક લખ્યું છે વધારે વિચારીને વાતસો ભૂલચુક સુધારી ને વાચસો દુઆમાં જે છે તે યાદ રાખસો ફક્ત વસલામ હેં ફર નીચે નામ લખતે लेकिन यामा लिखते हैं कि नबियों के ख़त लिखने का अंदाज़ नाम पहले लिखते हैं ताकि पढ़ने वाला मुतमईन हो जाए उसे इतमान हो जाए उसे तकलीफ़ ना हो कि इतना लंबा चौड़ा मज़मून वो पढ़े और फिर नीचे देखे कि लिखने वाला कौन है और नबी का हर आमल तकलीफ़ और तकल्लुफ़ से खाली होता है याद रखियो नबी का हर अमल तकलीफ़ और, तकलीफ और तकल्लुफ दोनों से क्या होता है वो खाली होता है इसलिए वो शुरू में जो है वो अपना नाम लिखते हैं खैर अखीर में भी आप नाम लिख ले कोई नाजायज नहीं है कोई गुनाह का काम नहीं है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं मैं जो है वो लिखता हूँ बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि वो मुहर की ज़रूरत हुजूर को पेश आई कि बादशाह लोग उस ज़माने में जिस खत के ऊपर मुहर ना हो उसे उठाकर पढ़ते भी नहीं थे रद्दी की टोकरी में डाल देते थे कि जिसपे कोई नाम ही नहीं उसको क्या पढ़ना तो इसलिए हुजूर को जरूरत पेश आई तो वो अंगूठी बनवाई अब उलमा ने लिखा कि हुजूर किस हाथ में अंगूठी पहनते थे ये देखो मेरी तरफ मैंने जो पहनी है ये अंगूठी नहीं है समझ आया ये अंगूठी नहीं है ये हजरत मौलाना मसीुल्ला खान साहिब रहमत आल का एक अमल बड़ा मशहूर था कि जिसको पेशाब के कतरों की और वो दूसरा क्या महा जिसको बोलते हैं अशरफा क्या बोलेंगे उर्दू में बवासिर जजाकल्ला बवासीर का जिसको मर्ज हो प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हजरत का ये एक गुजराती में क्या अमल हैं तो वो था ये आज भी चल रहा तो मुझे भी दरमियान में पथरी की शिकायत हो गई थी तो पता ही नहीं चला कि मुझे पथरी है तो आपने भी देखा होगा कोविड के ज़माने में कभी नमा घर से पेशाब करके आता हूँ मस्जिद आया नहीं फिर टॉयलेट जाता हूँ इधर सुन्नत पड़ी नहीं कि फिर टॉयलेट जाओ और उस वक्त तो ये बंद था तो मैं महराज पे जाता था हैं हाँ बदरे आलम भाई कहते थे, थे कि ऊपर जाओ पड़ा मैं के कहीं नहीं हम भी एक गड़े ऊपर जावा हैं तो फारूक भाई हाँ आपने मुझे मेराज तो मुझे महाराज कराई थी तो महराज पे जो है वो जाना पड़ता था तो ये वो चीज़ है अलहमद इसके पहनने का फ़ायदा मैंने खुद महसूस किया कि बाद में पता चला कि मुझे वो शिकायत है पेट में भी दर्द रहता था तो पेशाब के ज़रिए से वो चीज़ निकल गई और इतनी बड़ी मिकदार में निकली कि डॉक्टर पठान को बताया तो वो मानने को तैयार नहीं कि इतनी मोटी चीज़ पेशाब के ज़रिए से निकल गई मैंने कहा निकली तभी तो लाया हूँ तो बहरहाल इसलिए मैंने इसको पहन रखा है हाँ वरना ये नहीं है और मेरे पास एक लड़का पढ़ के गया एक दिन मेरे पास आया घर पर मिलने तो मैं यूं पहन के बैठा हुआ था तो उसने देखा कि अंगूठी है वो ये समझा तो मुझसे बेतकल्लुफी है मैंने क्या वाला है को मोर साहब तुम्हें बीजी शादी तो नहीं कह दी <laughs> तो <हुआ। laughs> हैं दूसरा निकाह तो नहीं किया मैंने कहा कि ये कोई संभव है इस मुल्क में तो बहरहाल हुजूर ने जो अंगूठी जो पहनी है वो याद रखो मर्द इसमें पहनेगा इसलिए उसी मकदार की अंगूठी बनाओ कि आप इसमें पहन सको इसमें नहीं पहन लेंगे पहली में और दूसरी में भी नहीं पहनना है इतनी मोटी मत बनाओ तो आप गारा दो सुनार को या जिससे जो जरूरत हो या तो वो बिल्कुल अखीरी उंगली में मर्द पहनेगा या फिर इस उंगली के अंदर औरत पहन और सकती है क्यों वो जीनत की चीज़ है बल्कि औरतें तो जो हैं चारों में पहनती है अच्छा हुआ कि अंगूठी में रिवाज नहीं है उसमें भी पहनती हो हैं के चारों उंगली के अंदर जो है उसने पहना हुआ होता है इसलिए याद रखो कहाँ पहनेंगे ये हाँ ये दो में नहीं पहनना है अखिल दो में मर्द जो है वो उसको पहनेगा और मर्द सिवाय चांदी की अंगूठी के कोई नहीं पहन सकता कोई और धत की वो नहीं पहन सकता ये मंत्रा हुआ होता है वो जो है वो अलग चीज़ है कोई उनको भी कहो कि भाई वो किसका हो सिल्वर का हो चांदी का हाँ औरत पहन सकती है इसलिए हमारे यहाँ बाज जगह रिवाज है कि शादी के अंदर सास दामाद को क्या देती है वीटी देती है और किसकी सोने की अरे भाई ये तो हराम है मर्द के लिए तो तुम तु, 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 तु क्यों दे रहे हो अब वो दामाद अगर मसले से वाकिफ़ नहीं है और सोने की अंगूठी पहनेगा वो भी गुनेगार तुम भी गुनेगार समझ आया हाँ इसलिए दामाद को देना है तो कौन सी दो चांदी की जो है वो दो और चांदी की भी एक ख़ास मकदार है उससे जाएद नहीं खैर बार तो यह शामी ने लिखा कि तीन आदमी अंगूठी पहने एक तो बादशाह या ऐसा ही किसी का कोई काम है और मोहल लगानी पड़े और दूसरा औरत कि औरत तो पहनेगी और तीसरा अल्लामा शामी ने पहना लिखा कि बेवकूफ़ <laughs> क्या लिखा बेवकूफ़ भाई क्यों पहनना है ये तो औरत की चीज़ है ये जीनत की तुझे इसमें मोहर नहीं है और अब तो अलग से मोहर बन गई है कि वो आप बना लो और, और औरत नहीं है ये औरत की फितरी चीज़ है तू क्यों पहनता है ठीक है नई नई शादी हुई है तो पहनना पड़ता है तो कुछ अरसा पहनो फिर निकाल के रख दो उसको क्यों जो है वो पहन के रखा है खैर बहरहाल तो दाग देहलवी निशान पे मुझे याद आया दाग देहलवी ने अंगूठी पहनी थी उसका एक दोस्त आया और जब अलग होने लगा तो दाग से कहने लगा कि आप मुझे अंगूठी दे दे ताकि मैं जाऊंगा अपनी जगह पर फिर वापस मुलाकात हो ना हो जब भी अंगूठी देखूंगा तो आपकी याद आती रहेगी तो दाग ने बिल्कुल बेदाग जवाब दिया फरमाया कि लोगों ने मेरे मुझ पे लगाया ही ऐसा दाग है कि यही काफ़ी है, है? कहे दाग देहलवी दाग लग गया है इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है ख़ैर हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ रदी अल्लाह तू ने जो अंगूठ जो खुशबू लगाई थी तो अरब में एक ख़ास खुशबू मिलती थी कि जो दुल्हा ही लगाता था आम तौर पर वो दुल्हा वो खुशबू लगाता था और कपड़े के ऊपर वो खुशबू लगाई जाती थी तो वो अपना रंग छोड़ जाती थी कुछ अरसे के लिए जब आमना सहमना हुआ आप अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्दुलरम बिन औफ्रदी अल्लाह तलास से तो हज़रत ने पूछा कि ये कपड़े पर दाग कैसा है अब्दुलरहमान तुमने शादी कर ली निकाह कर लिया तो हज़रत ने फरमाया कि जी हुजूर मैंने निकाह कर लिया तो हुजूर ने पूछा कि वो जो निकाह किया वो कंवारी है या शादीशुदा थी बेवा या तलाक याफ्ता उससे क्या है ફરમાયા કે તુમને વલીમા ક્યા કે નહી તુમને વલીમા ક્યા કે નહીં એની બાજુને કહી હૈકિન યુસુભાઈ યુ નહીં કહા કે તું મેહી હો મેં નબી હું તમે મને જ ઇનવાયત નહીં કહ્યું આજે તો આપણે તો અડધી લડાઈ થાય અમુક વખત આપણે શાદીનું લીસ્ટ બને ફાટે બને ફાટે હે અને ભૂલી ગયા અને આટલા માણા થઈ ગયા બૈદી કહે કે આટલા હોવું જોઈએ માટડો કહે કે આટલા હોવું જોઈએ હસબન્ડ પાછું ફાટે પાછું બને પાછું ફાટે પાછું બને એમાં હરું કોઈ પાણેનું હગું જ રહી જાય અમુક વખત હે તો અબ ઇન્ડિયા મેં તો દાવત ફિરાઈ જતી હે મોઝીન સાહેબ કે થ્રુ અબ દાવત નહીં પહોંચી ઓહો યાદ આયા શાદી કે એક દો દિન પહેલે અબ ફોન કરતા કિસી આદમી કો ભેજતે નહીં બધા તા દાવત ફેવેલ ત્યારે અમે યાદ નહીં નહીં આવવાના જા ऐम क्या उन्हें भूली गया लड़ाई चालू लेकिन ये तकल्लुफ़ात नहीं है इस्लाम में हुजूर ने कुछ बुरा नहीं मनाया दो तीन बातें जो हैं वो कही मुझे बताना ये था इतनी सादा शादी कि उस, सा, उस शादी में किसको इनवाइट नहीं किया गया नबी को ख़ातिमीन को उनको शादी में इनवाइट नहीं किया गया और हुजूर ने जर्रा बराबर बुरा नहीं लगाया अल्लाह ताला हमें शादी शादी करने की तौफीक नसीब फरमाए और बेजा कर्ज़ों में पढ़ने से अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए बहरहाल तो मैं आपको ये बता रहा था कि कपड़े कई सारे घरों में रखे होते हैं और यहाँ तो कम इंडिया में गांव के अंदर बड़े बड़े मकानात होते हैं तो बाबा आदम के ज़माने से तपेले बड़े बड़े रखे होते हैं ए आपता कि इब्राहिम भाई पारी अलमारी है ना ઉકે ઉપર બડે બડે અહમદભાઈ વો રખ છોડે હોતે થે પતા નહીં કભી કામમાં આયે કે નહીં આગે ભી આગે કે નહીં હેસ કઈ સારે જૂતે હૈ તો પૂછા કે ભાઈ મના પર જકા કે કે બદા બો જોડી કપડા છે બદા બો જોડી જોડા છે એ બદા બો જૅકટ છે સ્વીટર છે ઓર ઘરોમાં બડે બડે જો બરતન રખ છોડે હૈ कई ऐसी चीजें जो है वो रख छोड़ी है कभी इस्तेमाल में ही नहीं आती तो क्या उस पर जक़ात आएगी भाई याद है ना आपको हाँ ये पूछा था तो सुनो ये मसला आप उसूली बात समझ लो उसूल में आपको समझा देता हूं तो इनशाला आपको आइंदा जिंदगी में किसी को पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी अगर आपने सही मसला समझ लिया जक़ात उस माल पर आती है जो माल माले नामी हो मैं फिर बोलता हूँ जक़़त उस माल पर आती है जो माल माले नामी हो माल तो आप जानते हैं नामी नाम हम बोलते हैं तो कैसा हो जो माल माले नामी हो माले नामी क्या माना नामी का माना है बढ़ने वाला नामी का माना बढ़ने वाला है मिर्जा साहब नामी का माना बढ़ने वाला जो माल बढ़ने वाला हो उस पर जक़ात आएगी जो माल माल नामी नहीं है जो हमारी जरूरत का है या ये कि ज़रूरत का तो नहीं है लेकिन वो बढ़ेगा नहीं वो वैसा का वैसा ही रहेगा तो उस माल पे जक़ात नहीं आएगी मिसाल ले लो घर में पचास जोड़ी कपड़े रखे हैं दस जोड़ी बार, बारह जोड़ी पंद्रह जोड़ी साल में इस्तेमाल किए बाद में कभी उसे पहनने की ज़रूरत ही नहीं आई वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा वो बढ़ने वाला है वो तो नहीं बढ़ेगा वो माले नामी नहीं है घर में सोना रखा हुआ है घर में चांदी रखी हुई है माले नामी है कि नहीं हाँ है सोने की प्राइस घट्टी बढ़ती रहती है है ना चांदी की प्राइस जो है वो क्या होती है घटती बढ़ती रहती है इसलिए उस पर जक़ात है इसलिए सोने चांदी पे क्या है जक़ात है तिजारत का माल मि मिसाल ले लो मैंने एक प्लॉट खरीदा मैंने क्या ख़रीदा एक प्लोट मैंने खरीदा और खरीदते वक्त मैंने ये नीयत की कि मैं इसको खरीद रहा हूँ तिजारत की नीयत से जैसे ही मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा मैं क्या करूंगा उसे बेच दूंगा और आप जानते हैं दुनिया भर में यही हाल है आम तौर पर घर मकान दुकान जमीन की कीमत नीचे नहीं आती शर्त यह है कि वकू अच्छा हो वकू जानते हो कि क्या उसका है? यार कुछ ऐसा बोलो समझ में आए वो जहां पे है तो मुझे भी लफ्ज याद नहीं आ रहा है तो वैल्यू जगिया लोकेशन उसका जो लोकेशन हो वो अच्छा हो जमीन हो रोड टच हो जमीन हो जो चीजें जरूरी वहां है तो वो आसानी से मुहैया हो तो उसके दाम कभी कम नहीं होंगे हमेशा उसके दाम जो है वो बढ़ेंगे शहर में सिटी में आप कोई चीज खरीद लो दुनिया की किसी शहर में सिटी में आम तौर पर फिर वो प्राइस नीचे नहीं आएगी सिटी में तो आपने कहीं कोने में भी ख़रीद रखा है आमतौर पर उसकी वैल्यू भी बढ़ती है तो चूंकि वो माल बढ़ने वाला है इसलिए उस पर क्या है जक़ात है बस इतनी मिसाल काफ़ी है हाँ किसी ने प्लॉट इसलिए ख़रीदा चले ये भी सुन लें कि भाई अपने बेटे को घर बना कर देंगे अपना खुद का कभी मकान बनाएंगे तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा बल्कि ये कि पैसे पड़े थे तो हमने इन्वेस्ट जो है वो कर लिए इस नीयत से कि भाई बच्चे को कभी मकान बना देंगे बच्ची को जो है वो मकान बना देंगे खैर पड़ा रहेगा तो उस पर ज़क़ात नहीं आएगी तो फिर उस पर जक़ात वो जो है वो नहीं आएगी बहरहाल तो माले नामी पे जक़ात है घरों में बर्तन पड़े हुए है माले नामी नहीं है घरों में कई सारे कपड़े जो हैं वो पड़े हुए हैं वो माले नामी नहीं है इसलिए इन सब कपड़ों पर चाहे थाउजेंड जोड़ी कपड़े हो हाँ एक शर्त कि अब आपने ये नीयत कर ली कि फ़ला पीस फला सूट मैं उसे क्या कर दूंगा बेच दूंगा तिजारत की आपने नीयत कर ली तो अब भी जक़ात नहीं है जब बेचोगे तब ज़कात आएगी या कभी हमने कोई कपड़ा ख़रीदा ही किस नीयत से बेचने की नीयत से कपड़ा ख़रीदा है तो फिर उस पर जो है वो ज़कात वो आएगी तो इन सारी चीज़ों पर जक़ात नहीं है हाँ इसका शुमार और काउंटिंग किस में होता है सदाकतुल्फर में कुर्बानी के वजूब में वहाँ ये बड़े बड़े बर्तन जो घरों में रख छोड़े होते हैं ना अगर साल में दो साल में तीन साल में एक मरतबा इस्तेमाल हो तो ठीक है कोई बात नहीं उसको नहीं गिना जाएगा लेकिन वो इस्तेमाल में ही नहीं आते तो फिर वो निसाब जो जक़ात का है वही किसका है सदाक़तल्फ़ितर का भी और कुर्बानी का भी कि फिर उस पर फितर और क़ुरबानी क्या हो जाएगी वाजिब हो जाएगी उसमें उसका शुमार होगा अगर कपड़े कभी इस्तेमाल में नहीं आते बर्तन जो हैं वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं आते तो फिर उसका क्या होता है उसका शुमार किया जाएगा उसकी कीमत को भी काउंट जो है वो किया जाएगा लेकिन सदाक़ुल्फ़ित के वजूब में कुर्बानी के वजूब में लेकिन ज़क़़त उस पर कभी नहीं आएगी क्योंकि वो माल क्या है माले नामी नहीं है दूसरा मसला Zakat का पूछा था वो भी आप याद रख ले कि एक साहिब के आपने किसी को मकान बना के देना है और Zakat की रकम से आप बना के देना चाहते हैं अब ज़ाहरी बात है कि मकान बनाकर देने में काफ़ी पैसा चाहिए तो आपने क्या किया, किया कि दो तीन साल की Zakat इकट्ठी आपने कि एक साल उसको पूरी ज़क़त भेज दी दूसरे साल जो है वो पूरी भेज दी तीसरे साल जो है आपने उसको जक़़त दी तो आपने अपनी जकवात तो उसको दे दी उसको जो है वो निकाल दी जो मुस्तक है लेकिन इतना पैसा है नहीं कि वो मकान बना सके या ये कि जैसे अभी दरमियान में कोविड आ गया तो सारी दुनिया जो है वो एकदम से गोया के बंद हो गई थी अब चीज़ें मिलेंगी ही नहीं कारीगर मिलते ही नहीं हैं कौन बनाएगा अब ज़क़़त की रकम आपकी दो तीन साल पड़ी रही तो क्या उस पर ज़क़़त आएगी नहीं आएगी एक उसूल याद रखो जैसे ज़क़़़़़त माले नामी पर है इसी तरीके से ज़क़ात के माल पे ज़क़ात नहीं है जो ज़क़ात हमने निकाली है कि ये ज़क़ात की रकम अब वो एक साल पड़ी रही दो साल पड़ी रही तो उस ज़क़ात पे फिर ज़क़ात नहीं आएगी समझ आया ज़क़़़़़त पे ज़क़़़़़त नहीं आती एक और मसला याद रखो ज़क़ात का इंतकाल हुआ मीराश से ताल्लुक़ है इसका एक आदमी का इंतकाल हुआ उसकी चार औलाद थी दो बेटे दो बेटी अब एक बेटे के पास सारा माल है बाप ने जो छोड़ा सारा माल एक बेटे के पास है अभी उसने अपना हिस्सा भी नहीं लिया है और अपनी बहनों को भी दो नहीं दिया है अपनी अपने भाई को भी नहीं दिया है साल गुजर गया दो साल गुजर गए तीन साल गुजर गए अभी तकसीम नहीं किया हालांकि उसको लेट नहीं करना चाहिए लेकिन बहरहाल नहीं दिया है तो ये अभी माल किसके पास है बड़े भाई के पास मरने वाले के बड़े बेटे के पास और काफ़ी माल है उस पर जकवात आएगी नहीं आएगी वो जो तीन भाई अगर उसने अपना हिस्सा ले लिया है तो उस पर आएगी कि उसके पास माल था उसने अपना हिस्सा निकाल लिया लेकिन एक भाई और दो बहन को हिस्सा नहीं दिया तो उस पर इसको जक़ात नहीं निकालनी क्यों जक़़त हमेशा अपने माल पे आती है किस पे आती है अपने माल पे जैसे हसबैंड एंड वाइफ़ है वाइफ भी साहिब निसाब है और हस्बैंड भी तो वाइफ़ की ज़क़त कौन निकालेगी वाइफ निकालेगी हसबैंड की ज़क़त हसबैंड निकालेगा लेकिन होता है आम तौर पर घरों में कि हसबैंड वाइफ की तरफ से निकाल देता है उसमें मसला याद रखो ने लिखा है कि बीवी को बता दो कि तेरी तरफ़ से ज़क़़़त मैं निकालूँ और आपने एक मरतबा बोल दिया कि अब आइंदा जब तक अल्लाह ने मुझे बरकत दी है मैं निकालता रहूँगा तो हर साल बताने की ज़रूरत नहीं है एक मरतबा बता दो कि अब के भी मैं निकाल रहा हूँ और जब तक मैं हयात हूँ अल्लाह मुझे बरकत देगा तेरी भी ज़क़़त मैं निकालूँगा यही मसला सदाकतुल्फित्र का है कि बताना पड़ेगा क्यों उस पर वाजिब है हम पे थोड़ी वाजिब है लेकिन अगर कोई उसकी तरफ़ से निकालना चाहे बताकर निकाले कुर्बानी में भी यही मसला है हाँ हर साल बताना जरूरी नहीं है अगर आपने उसे यह कह दिया कि जब तक मैं हयात हूं मैं सदकतल फितर निकालता रहूंगा मैं ज़कात निकालता रहूंगा मैं कुर्बानी तेरी तरफ से कराता रहूंगा समझ आया क्योंकि उसकी जगह उसको निकालनी है तो अपने माल पे जक़ात आती है अब ये बड़ा बेटा वालिद का माल दबा के बैठा है या दबा के लफ्ज इस्तेमाल ना करे कि ले के बैठा है तो वो माल उसका है नहीं है जब उसका माल है ही नहीं तो उस पर जक़ात कैसी आएगी वो उसका माल ही नहीं है उस पर जक़ात नहीं आएगी चूँकि वो उसका माल ही नहीं है या मिसाल ले ले कि वो मरने वाले के पास किसी ने दस हजार पाउंड अमानत रखवाए थे अमानत अब बेटे के पास अभी उसने नहीं दिया जिसने अमानत रखवाई थी साल पूरा हुआ क्या जक़ात देगा वो नहीं देगा अब ये Zakat भी नहीं देगा और अमानत का माल मीराश में तकसीम भी नहीं होगा क्यों मीराश में वही माल तकसीम होता है जो मरने वाले का अपना माल हो ये उसका अपना माल है ही नहीं इसलिए उसके ऊपर जो है मीराश के उसूल भी लागू नहीं होंगे तो बहरहाल ये तो Zakat का मसला था अब नमाज़ का आज एक साहिब ने मसला पूछा जिसका ताल्लुक़ मुबारक की वितर की नमाज़ के साथ ऐसी सूरत पेश आ सकती है कभी दरमियान में किसी का वज़ू टूट जाए या ये कि तरावी ख़त्म हुई और टॉयलेट का तकाजा हुआ आदमी जो है गया और एक रकात मिस हो गई और रमज़ान में वितर की नमाज़ हम कैसे पढ़ते हैं जमात से पढ़ते हैं तो वो साहिब बात हर बात पूछने लगे कि मौल साहब अगर किसी की वितर की एक रकत छूट जाए अब इमाम सलाम फेरेगा तो उसको तो अपनी एक रकत वापस अदा करनी है उसे पढ़नी है तो दुआए कुनूत तो तीसरी रकत में पढ़ी जाती है कुनूत कौन सी रकत में पढ़ी जाती है तीसरी रकत में कुनूत को फारूक भाई पढ़ा जाता है तो अब क्या करेगा उसको कुनूत वापस तीसरी रकत में पढ़ना है तो यहाँ भी एक उसूल याद रखो जो आमल नमाज में सिर्फ़ एक मर्तबा है अगर वो अदा हो चुका अपने मकाम पर इमाम साहिब को अदा करना था वो कर चुके मख्ती अब उसको दोबारा नहीं करेगा कुनूत नमाज में कितनी मर्तबा पढ़ना है इस की एक मर्तबा। तो उसकी एक रकत गई मुख्ति की लेकिन इमाम साहिब वो तो तीसरी रकत में बिल्कुल मौके पर और जगह पर क्या कर रहे हैं कुनूत पढ़ रहे हैं तो कुनूत पढ़ लिया ना और भी वो रकत में तो हाजिर है चाहे उसकी रकत गई लेकिन मुक्तदी भी तो हैं? और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं इमाम के पीछे आप याद रखो अगर बिल्कुल आप खामोश भी रहे आपने को ऐसा करियो मत लेकिन कभी जो है ऐसा हो जाए कि नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो गई क्यों इंजन डिब्बे को खींच जाता है।, है इंजन डिब्बे को खींच लेता है ये फायदा है जमात से नमाज पढ़ने का और ये भी याद रखो ने लिखा है कि इमाम साहिब वितर की नमाज पढ़ा रहे और हमारा अभी कुनूत फिनिश नहीं हुआ और इमाम का जल्दी हो गया और याद रखियो जिंदगी में ऐसा मौका इनशाला कभी नहीं आएगा कि इमाम को आप बीट करो क्यों प्रेशर होता है उसके सर पे जितने नमाजी उतना प्रेशर ये मैं आपको आप बीती सुना रहा हूं जग बीती नहीं है તો હે જલ્દી જલ્દી પડતા હોય તો જીતના હિસ્સા મજ હર નમાજ પછી કોઈ પૂછે કેમ એમ કે બાજી તમે તો નહીં ગયા એટલો ફાસ પડે એમ કે આપણને પડવાનો મોકો બી નહી દઈએ તો હું આપણે નહીં પડવાનો એમ કે આપણું કુનુક પૂરું થવું જોઈએ હે તો નહીં बस इतना जो है वो पढ़ लिया इमाम साहिब ने कहा अकबर रुकू में तो अपने को भी उसके साथ जो है वो रुकू के अंदर जो है वो चले जाना एक तो ये मसला उन्होंने पूछा था दूसरा वितरा का मसला जो पूछा गया दूसरे साहिब ने वो ये कि यूँ हुआ कि इमाम साहिब तीसरी रकत में रुकू किरात के बाद अल्लाह अकबर कहना भूल गए यानी कुनूत पढ़ना और सीधे कहाँ चले गए रुकू में जो है वो चले गए तो क्या छूट गया कुनूत छूट गया और वितर में कुनूत पढ़ना क्या है वाजिब है ये याद रखो तो मसला आपको समझ आएगा अच्छी तरह कुनूत छूट गया कुनूत पढ़ना वाजिब है और इमाम साहिब कहाँ चले गए रुकू में चले गए तो मुख्त एक लुकमा दे दे खाली अल्लाह एक मरतबा ताकि इमाम को इतना पता चल जाए कि मुझसे सहव हुआ है और वो समझ जाएगा इमाम कि सहव ये हुआ है कि कुनूत पढ़ना मैं भूल गया हूँ अब यहाँ इमाम को मुक्तदी मजबूर नहीं करेंगे ये फुकाहा ने लिखा है याद रखियो मुक्तदी इमाम को लुकमे पे लुकमे लुकमे पे लुकमे लुकमे पे लुकमे लुक लुक नहीं देंगे और एक ने दिया नहीं सुन रहा तो हेलो के, के कदाच मोलसभा मारा था हारू बने मरू हम ले हैं तो दूसरा जो है वो देता है या तीसरा जो है देता है ऐसा नहीं करना है। एक लुकमा एक आदमी ने दे दिया उसको तनबू हो गया इमाम को कि मुझसे सगव हुआ है ये मजबूर नहीं करना है वरना क्या होगा इमाम साहिब मसले से वाकिफ नहीं होंगे तो वो के प्रेशर में आकर रुकू से वापस खड़े होंगे प्रेशर में ये भी प्रेशर के चूंकि मसले से वाकिफियत नहीं है इसलिए प्रेशर पड़ता है तो अब रुकू से वो उठ खड़ा होगा अब आप ही जवाब दो रुकू करना जो भी नमाज हो फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत नफिल रुकू क्या है फर्ज है और अभी आपको बताया कुनूत क्या है वाजिब है दर्जा किसका बड़ा फर्ज का बड़ा है ना अब दो लफ्स पकड़ो अदना आला आला यानी टॉप और अदना यानी जो उससे नीचे है ये उसूल याद रखना अकेले नमाज पढ़ते हो उसमें भी याद रखना कभी तनहा नमाज़ पढ़ोगे ना उसमें भी ये सूरत पेश आएगी तो ये उसूल याद रखना तो इन बहुत काम देगा फुकहा ने एक उसूल लिखा है कि नमाज के अंदर चाहे इमाम साहिब हो चाहे हम तनहा नमाज पढ़ते हो अदना से आला की तरफ नहीं लौटेंगे आला से अदना की तरफ नहीं लौटेंगे अदना से आला की तरफ जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जिसका दर्जा बड़ा है यानी फर्ज का दर्जा बड़ा है वाजिब का दर्जा उससे नीचे है कभी भी जिंदगी में चाहे इमाम साहिब हो चाहे हम तनहा नमाज पढ़े फर्ज से वाजिब की तरफ नहीं लौटेंगे फर्ज से वाजिब की तरफ नहीं लौटना है क्यों नहीं लौटना है ये तो गोया बेइज्जती है समझाने के लिए ये तो गोया बेइज्जती है कि आला से किधर आए अदना की तरफ आए अदना क्या होगा आला की तरफ जाएगा इसीलिए शरीयत ने सद सहवा रखा है अब ये जो कुनू छूट गया तो अब शरीयत ने उसके हल के लिए क्या रख दिया सद्द सहव अब इमाम साहिब अखीर में क्या कर ले सद सहव कर ले मुक्तदी भी कर ले नमाज में सवाब में कोई फर्क नहीं आया नमाज हो गई तो इसीलिए सदस्य रखा है ताकि हम आला से अदना की तरफ ना आए समझ आया दूसरी मिसाल ले लो जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हो चार रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं या तीन रकत वाली हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें कादे कितने आएंगे अरे भाई तीन रकात की है नमाज चार की है कितने कादे आएंगे हाँ तो जवाब दो हैं तो दो जो हैं वो कादे आएंगे पहला कादा क्या है वाजिब दूसरा कादा क्या है हाँ तो पहला क्या है वाजिब है नमाज में खड़ा होना चाहे जौन सी नमाज हो खड़ा होना क़याम ये नमाज में क्या है फ़र्ज़ है फ़र्ज़ है ना और पहला कादा वाजिब है अब हम तीन रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे या चार रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे भूल से दूसरी रकत में बैठने के बजाय हम क्या हो गए खड़े हो गए अब पोजीशन देखो ज़मीन से करीब है हम और याद आया बैठ जाओ और सहो भी नहीं ज़मीन से करीब है बैठ जाओ सहो भी नहीं करना और अगर उठने के करीब हो गए तो अब बैठना नहीं अब खड़े हो याद आए तो भी नहीं बैठना है पीछे से मुक्तदी लुकमा दे इमाम को तो भी उनका लुकमा नहीं लेना है इमाम को तब भी इमाम खड़ा हो जाएगा कब जब उठने के करीब हो और अगर पूरा उठ गया हो तो तो मसला ही नहीं है कि पूरा उठ गया है वो समझ आया अब मुझे जवाब दो कि ये अमल क्यों नहीं करना है फर्ज है, है ना अब यहां भी अगर हम खड़े होके फिर बैठेंगे મુક્તિ કે લકમે પે ફર બેઠે તો પહેલા કાદા વાજિબ હૈ તો અદના તરફ આયે યાદના તરફ આ ખ્યાલ કે બદ્દાને પીઝા આલામાં લઈ જવું પડે હે તો જ કહેજ આવે હમદભાઈ તમુદી હવે મગર રોજા વજ આવે ચલે બહાર ઉમીદ આપે લેક ઢેઢ ભાષામાં યાદ રાખો के दो कादे वाली नमाज हो और उठने के करीब हो तो नीचे नहीं आने का और आखिर में क्या कर लेने का सजद सह जो हैं वो कर लेने का अब कल हमारे एक और मेहमान आ रहे हैं कंथारिया दारालूम कंथारिया बड़ा इदारा है गुजरात में वहाँ मिशका शरीफ और सुना के दोहरे हदीस की भी कोई किताब वो पढ़ाते हैं इन अगले पाँच दिन उनका प्रोग्राम होगा असर के बाद उर्दू ज़ुबान में मौना इम्तिया साहब नाम है और फिर उसके बाद अगर कोई नहीं तो इन हम तो है ही हैं हाँ तो बहरहाल बात को आगे बढ़ाएंगे मीराज की वरना मीराज में वैसे भी डिले होता है तो यहाँ भी डिले हैं है? वैसे भी तो डिले ही होता है इसमें चाचा तो इसमें भी जो है डिले समझ लो चले आखिरी मसला पोते की मीराश का याद रख लो फिर आपकी जान छोड़ूंगा हैं पोते की मीराज का पोता पहले तो गलत एडवाइस कभी किसी को नहीं देने का अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दादा को गलत एडवाइस दी जाती है कि बाप है एक बाप और उसके दो बेटे हैं दो बेटियां हैं एक बेटा इंतकाल कर गया और उसकी बीवी है और छोटे छोटे बच्चे हैं दो साल के चार साल के छह साल के नाबालिग इंतकाल हुआ नहीं कि समाज सोसाइटी मुआशरा दोस्तों अहबाब रिश्तेदार खानदान वाले बोलना शुरू कर देते हैं बेचारा लावारिस થઈ ગયા बेचारा लावारिस થઈ ગયા बेचारा लावारिस થઈ ગયા હવેલા દાદો હો રોજ હંભરે હે કે લાવારિસ થઈ ગયા લાવારિસ થઈ ગયા તો આપ દાદા ભી એ સમજતા હે કે ભઈ અબ મેરે માલ મે સે પોતો કો મે kuch દે નહી સકતા क्यों सब कह रहे हैं कि लावारिस हो गए ला, ला ये दो जुमले हैं लावारिस ला यानी नहीं अब इनको विरासत में से कुछ मिलने वाला नहीं है तो दादा के भी दिमाग में ये बैठ जाता अब लोग बोलते रहते हैं ठीक है यतीम आप बोलो अलग बात है कि भाई यतीम हो गए लेकिन लावारिस 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 इतना बोला जाता है कि अब बेचारा हकीकत में लावारिस देखिए पोता मैंने आपको बताया था रिश्तेदार जल्दी जल्दी बोलो रिश्तेदार दो किस्म के एक करीब के दूसरे दूर के शरीयत में दूर के दूसरे रिश्तेदार है हम तो ये जो रिश्तेदारी मैंने बताई ना हम उसको करीब की रिश्तेदारी समझते है ना दूर की तो दूसरी होती है लेकिन शरीयत की निगाह में ये दूसरी रिश्तेदारी है दरमियान में याद रखो एक पीढ़ी आ जाएगी या खून बदल गया वो दूसरा हो जाएगा वो दूर का रिश्तेदार हो जाएगा याद रहेगा एक मज़ेदार बात सुनो मलफूज़ आते फ़ीर उम्मत हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमत आल किताब का नाम है उसमें ये बात मौजूद है हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमत आलि दावत तबलीग के बड़े अकाबिन में से हज़रत जी सानी मौलाना यूसुफ साहब का किस्सा है वो सहारनपुर में पढ़ते थे और हज़रत शेख की तो रिश्तेदारी मौना इलिया साहब रमत लाई दिल्ली से अपने बेटे को मिलने सहारनपुर पहुँचे उस वक्त ये तालीम हासिल कर रहे थे तो मौना यूसुफ साहब रहमत खाने की बारी आई दस्तर खान बिछाया गया हज़रत जी मौलाना इलिया साहब रहमत बैठे उनके पड़ोस में हज़रत मौलाना ज़करिया साहिब रहमत शेखुल आलि साहब वो बैठे और उनके बाज़ू में हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमत इस तरह बैठने की खाने में तरतीब थी अब बोटी कम थी सालन में तो हजरत जी मौना इलिया साहब रमोत ली ने बोटी उठाई बाप बाप होता है ना तो बोटी उठाई खुद नहीं खाई हजरत शेख को क्रॉस करते हुए यूं जाके अपने बेटे के सामने रखी हजरत शेख के सामने से हाथ क्रॉस हुआ तो शेख जो हैं जिनसे बेतकल्लुफ़ी होती थी ना वो मेरी तरह बोल देते थे मेरी भी जिनसे बेतकल्लुफ़ी है मैं कह देता हूँ लेकिन गलती हो जाती है कि बाज़ मरतबा जिनकी मेर से बेतकल्लुफ़ी नहीं होती नाम ले लेता हूँ मसला हो जाता है तो भाई एडवांस माफ़ी तो मेरी भी तबीयत हज़रत शेख जैसी है कि बेतकल्लुफ़ी में बोल देता हूँ फारूक भाई को भी बोल देता हूँ हैं तो हज़रत शेख बेतकल्लुफ़ थे अपने चचा मोना इलियास साहब रम्ही से तो हज़रत शेख ने फौरन फ़रमाया कि चचा जान पड़ोसी का पहले हब होता है हैं मैं आपके पड़ोस में जो है वो बैठा हुआ हूं और आपने बोटी यूं उठा के हाथ लंबा करके मेरे सामने से बेटे के इसमें रखी तो हजरत जी मौना इलिया साहब रहमत लाही ने जवाब दिया कि जकरिया तू भतीजा है वो बेटा है <laughs> यही जवाब है अल्लाह के घर में बैठा हूं हैं कि जकरिया तू भतीजा है और वो बेटा है फरमाया बेटा बेटा होता है तो इसी तरह यहाँ मीरास में भी बेटा बेटा होता है, है? तो अब ये पोता दरमियान में एक आ जाएगा गैप क्या है ये दादा से पैदा हुआ पोता नहीं दादा के खून का खून है दादा के खून का खून है लड़के का लड़का है और शरीयत ने उसूल ये बनाया मीरास में रहम पे नहीं है इफ्लास पे गरीबी पे नहीं है वरना उलमा ने लिखा कि फिर तो ये भी हो सकता है एक बाप के चार बेटे बाप का इंतकाल हुआ तीन भाई वेल सेट और एक भाई गरीब है मिसाल के तौर पे तीन यूके में एक इंडिया में तो फिर होना तो ये चाहिए था कि ये सब वेल सेट है यूके में है लंदन में मिलियन मिलियन पाउंड के इनके अपने घर है हैं तो इनको अब निराश नहीं देनी चाहिए और वो बेचारा इंडिया में झोपड़ी में रह रहा है या ये कि जो मकान है वो सब वारिस का हक़ है तो वो गरीब हुआ ना इनके मुकाबले में अगर ऐसा होता अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ नहीं तो अहमद भाई आप लोगों ने मलते नहीं है इंडिया वाला बधू ले ले लेते हैं अब तो ज़मीन ना भाव आसमान तो है रहते ता तो अल्लाह वो आपके तमें तो हमारा कहता वो मालदार है इनके तो पशी आप लोगों ने कहीं मलते नहीं तो अगर इतनी ही रहम आती है तो फिर वहाँ हमें भी कुछ नहीं मिलेगा और आम तौर पे भाई में सबकी हैसियत बराबर नहीं होती कोई मालदार है कोई गरीब है है ना और भाई रोज़ा तो नहीं लग रहा भाई है हाँ नहीं तो बंद कर दे आप कहे तो।, तो वो ये गरीबी पे नहीं है इफ़लास पे नहीं है ये रिश्तेदारी पे और रिश्तेदारी दूर की अब दादा के चार बेटे थे जल्दी जल्दी एक इंतकाल गया दो बेटी हैं एक बेटे हैं अब करीब कौन है बेटा और बेटी और पोता क्या हो गया दूर हो गया इसलिए उसको नहीं मिलेगा हाँ पोता को मिलता है कब अगर दादा की एक ही बेटी और एक ही बेटा था और बाप मर गया अब मीराश में कौन रह गया लड़की रह गई तो लड़की को पूरा नहीं मिलेगा अब ये चूंकि बेटा नहीं है दूर की रिश्तेदारी है लेकिन बेटा नरीना औलाद नहीं है तो दूर वाले करीब हो जाए समझ आया तो फिर दूर वाले करीब हो जाए अगर एक ही लड़की है मरने वाले की और बेटा मर गया पोते पोतियों को मिलेगा उस सूरत में आखिरी दो बार दादा को क्या करना चाहिए अगर उसके नरीना औलाद है और एक बेटा मर गया छोटे शरीयत ने दो ऑप्शन दादा को दिए ये किताब में ये बात लिखी हुई है लेकिन दादा अधूरा मसला जानता है समाज सोसाइटी ख़ानदान अधूरा मसला जानता है बताने वाले अधूरा मसला बताता है शरीय ने दादा को दो ऑप्शन दिए दादा का फ़र्ज़ ये था किसी मुफ्ती साहिब के पास किसी आलिम के पास जानने वाले के पास पहुँचता लेकिन शर्त यह है कि बेटे पहुंचने भी दे हाँ ये भी तो प्रॉब्लम है ना जावेद भाई हैं कि पहुंचने भी देने चाहिए वरना एला चहवा दी दिए हेला लोग हैं तो वो पहुंचने भी दे शरीयत ने दो ऑप्शन दिए नंबर एक दादा को चाहिए कि जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी में से इसको कुछ दे दे पोते को भी दे दे पोती को भी दे दे अब किसी का जो उसका एक बेटा दो बेटी है उनका कुछ नहीं चलेगा बाप अब मालिक है दे दे जिंदगी में दे दे इस पोते को और पोतियों को दूसरा ऑप्शन शरीयत ने मरने के बाद रखा देखिए यहाँ दो ऑप्शन दे दिए एक जिंदगी में दादा को बोलो दे दे और दादा को ऐसा लगता है कि दिल्ली बात फिर सुध जाने कि आ हारा मरा मरवा बची दे छः नहीं तो ज़िंदगी में दे दे और अगर ऐसा लगता है नहीं मेरी औलाद माशाल्लाह दे देगी दे वसीयत करके जाए और वसीयत कितने में हो सकती है वन थर्ड में अच्छा इसमें ऐसा भी होगा वारिस को जितना मिलेगा उससे ज़्यादा पोते को मिल सकता है है इस भाई हाँ चूँकि पूरा वन थर्ड आ जाएगा इधर तो ये मसला बताओ कभी ऐसा हो तो उस दादा को अच्छी तरह लावारिस लावारिस मत कहाँ करो जाकर उसको बताओ तुझे शरीयत ने दो ऑप्शन दिए बड़ी शख्सियत जो अखीरी अशरे में इंतकाल कर गई हम सब के मोहसिन मुरबी महबूब हज़रत मुफ्ती सैद अहमद साहिब पालनपुरी नवरल्ला उनके एक बेटे शायद नाम रशीद अहमद था राधे जामिया हुसैनिया में पढ़ाते थे एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उनके दो बेटे थे और नौजवान बहू हजरत ने सबसे पहला काम ये किया कि बहू की शादी करा दी अपने ता तो ओने के, के भप जुए तो आखिरी जिंदगी अभी बेवा रेवाना है।, है ना वरना नहीं देते ये गलत चीज़ है तो उनकी शादी कराई और बेटे के लिए मुफ्ती साहब मैं मुझे सही तरह याद नहीं है फारूक़ भाई अगर आपको याद हो दो में से एक काम करके गए थे कि या तो ज़िंदगी में कुछ दे दिया था हजरत ने या फिर वसीयत करके गए थे ये मैंने पढ़ा है उनके हालात में लेकिन अभी बराबर याद नहीं आ रहा दो में से एक काम करके गए तो दादा को चाहिए कि पोते के लिए दो में से एक काम करके जाए सुबह नाही व भी हमदेही सुबह नमदो अल्ला